दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कलयुग के बाद वापस आने वाला है सतयुग? आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रभु दर्शन पर। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, कलयुग के अंत के बाद ऐसा होगा सतयुग। कलयुग के अंतिम चरण में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे और सतयुग का आरंभ होगा। चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता पुराण में मिलता है। परंतु कलयुग में खासियत जैसा तो कुछ नहीं दिखता। चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। कलयुग को मानव जाति के लिए एक श्राप कहा जाता है, जिसे इस युग में जीने वाला हर इंसान भुगत रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग के अंत के बाद आने वाला युग कैसा होगा? पुराणों में सृष्टि के संपूर्ण काल अवधि अर्थात समय को चार युगों में बांटा गया है, जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाने जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का यह 22वां चक्र चल रहा है। गीता में इस बात का वर्णन भी किया गया है कि युग परिवर्तन के इस चक्र के अनुसार अभी कलयुग चल रहा है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4,32,000 सालों का है, जिसमें अभी 4,27,000 साल बचे हुए हैं। अर्थात कलयुग के अंत होने में अभी काफी समय है। लेकिन कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन ब्रह्मा पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान मानव जाति का पतन होगा। लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, एक भाई दूसरे भाई का शत्रु हो जाएगा। और जब आतंक अपनी चरम सीमा पे होगा तो भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में ऐसे लोग का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़ी ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। ठीक इसी तरह कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा तब पृथ्वीलोक से धर्म समाप्त होने लगेगा। कृष्ण ने महाभारत में ये कहा था कि कल्कि रूप में अवतरित होकर इस धरा को पाप से मुक्त करेंगे और उसके बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नवयुग आरंभ होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्य की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष की होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म की पुनर्स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा और मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा, अर्थात मानवता की पुनः स्थापना होगी। ऐसा भी कहा जाता है कि मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्म कांड में विश्वास करेंगे और सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात भी कर सकेंगे। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा और आत्मा का परमात्मा से मिलन में सभी सुखी होंगे। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। परंतु कलयुग को अभी अपना काफी लंबा सफर तय करना है और सतयुग के आने में लाखों वर्ष बाकी है। तो क्यों ना हम लोग कलयुग में ही धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ देखते रहिए प्रभु दर्शन। धन्यवाद।